दर्शक मित्रों डेली बोडेली न्यूज में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छू मयुद्दीन खत्री। दर्शक मित्रों सरकार गमे त्यारे 2000 नी नोट ने बंद करी सके छे। जी हाँ, बात करीशू छेल्ला 3 वर्ष थी आरबीआई ए 2000 नी चलनी नोट नु प्रिंटिंग बंद कर्यू छे। राज्यसभा में भाजपना सांसद सुनील मोदी ए सोमवारना रोज 2000 ની ચલણી નોટો રદ કરવા માટે માંગણી કરી છે। આવો સાંભળીએ આ અંગે શું કર્યા છે ભાજપના સાંસદ સુનિલ મોદી। શ્રી સુશીલ કુમાર મોદી। સભાપતિ મહોદય, બજાર સે ગુલાબી રંગ કા જો 2000 રૂપિયે કા નોટ હૈ ઉસકા દર્શન દુર્લભ હો ગયા હૈ। એટીએમ સે નહીં નિકલ રહા હૈ। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमोनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपए का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपये तक के